कहाँ कहाँ आप लोगों को लेकर जाते हैं? ये गाड़ी के नीचे। को के नीचे ले जाते हैं? हम जाते हैं, वो लड़का खुलता हो तो वो पकड़ लेता है। ये लें, ये लड़की आपकी आंखों से ओझल हो चुकी है और ये वो जगह है जहाँ पर ट्रक अड्डे में ये सब कुछ चल रहा है और ये सरोंग कितनी बड़ी है वो आप लोगों के सामने है। बीच में नहीं, एक बंदे से। किधर जाती हो उस बंदे को लेकर, या वो बंदा तुम्हें कहीं लेकर? बंदा लेकर जाते हैं। लेकर अपनी जगह पे ट्रक में? हाँ जी, ट्रक में बंदा ले जाते हैं जी। कहाँ कहाँ आप लोगों को लेकर जाते हैं? ये गाड़ी के नीचे। को के नीचे ले जाते हैं? एक रात में कितने बंदे आ जाते हैं? मैं सिर्फ दो तीन कर लेती हूँ बस। तो दोस्तों, आज के स्टोरी में हम जानने वाले हैं कि पाकिस्तान की औरतों को भी बिल्कुल भी जरा सी भी शर्म नहीं है। तो पहले तो जो औरतें भाई कमरों पर जाके, रूम पे जाके गलत काम करती थी, धंधा करती थी, और फिर जो है वो औरतें सड़क पर आ गई, जो सड़क पर खड़ी होकर भी मर्दों को बुलाती थी और उनके साथ जो रूम पर जाती थी और जो है धंधा करती थी। लेकिन अब जो है उन्होंने गटर को भी नहीं बख्शा। अब जो है गटर में वो लोगों को बुलाते और उनके साथ जो है गलत काम करती भाई, कभी गटर में और कभी जो है उनके साथ गाड़ियों में, कभी गाड़ी तो कभी ट्रक। तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए उसी बेशरम औरत से जानते हैं। लड़कियां रात गए अपना जिस्म फरोख करने के लिए इस तरह से खड़ी हैं जैसे कोई सवाब का काम है। यहाँ पर एक और लड़की भी मौजूद है, बात सुने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम कौसर। इधर जरा साइड पर आए। क्या मसला है? है? क्या मसला? साइड पर तो आए, इधर साइड। क्या मसला है? मसला कोई नहीं है। तो फिर आपने क्यों इतने की कर रहे? इतने कुछ भी नहीं, हम टाइम कर रहे थे। किधर जा रहे थे? घर में। इधर केड़ा घर है? इधर पीछे रहती हूं। क्या इधर कर रही हो वो बताओ? इधर कुछ नहीं कर रही। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, मुझे बताओ कि इधर क्या कर रही थी। मेरे मोबाइल में वीडियो बनी हुई है तुम्हारी, दिखाऊं? नहीं कर रही। यहाँ पर क्या कर रही हो रात के इस टाइम? घर कहाँ से होकर आ रही हो? इधर से घर है, मैं होटल से आ रही हूँ। ठीक है, होटल से। ये होटल है। इधर क्या करती हो होटल में? इधर चाय पीने आई थी। रात के टाइम एक जवान लड़की घर से चाय पीने के लिए आई है? वो सिर में दर्द हो रही थी करके। आप ये हट धर्मी चेक करें, अब सही तरीके से बताना कि नहीं तो मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूं। घर वाले किसी ने देख ली मेरे डकरे कर देने ने। इतना तुम्हें घर वालों का डर है? हाँ। तो फिर यहाँ पर ये काम करती क्यों? काम नहीं करने। क्या करती? मैं इधर चाय पीने आई थी। चाय तो बताओ जो करने आई। बताओ क्या कर रही? इधर हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना, मेरे पास सुनो। इधर हाथ नहीं, यहाँ पे ना मेन होल्स गिरे हुए हैं तो तुम भी खुद गिरोगी। हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना मेरे पर, हाथ नहीं उठाना दोबारा, ठीक है ना? बताओ यहाँ पर क्या कर रही थी? अब हाथ ना उठाना दोबारा मेरे पर, क्या कर रही थी? तुम कौन है? मैं नहीं आपको जानती है। तुम नहीं जानती है? कभी होल तो इधर आ जा भाई। हाँ। मैं नहीं आपको जानती है, तुम कौन है? मेरा बाजू क्यों पकड़े? तुम यहाँ पे जो हर बंदे को अपना बाजू पकड़ाती हो उसकी खैर है? बाजी मैं आपको नहीं जानती। मैं भी नहीं तुम्हें जानती, फिर भी तुमसे बात करने आई हूँ। मैं भी नहीं जानती। बताओ क्या बात है, क्यों हो यहाँ पर? मेरी से बात कर लो, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी, यकीन करो। इधर मुकाबला मैं तुम्हारा फेस नहीं दिखाना चाह रही। बताओ अब क्यों हो यहाँ पे? काम करने आई। कौन सा काम? ये जड़ गलत होता है। आई हो ना बुलाने पर? कब से कर रही हो? तीन माह को। तीन माह हो गए हैं, क्यों कर रही हो? मजबूरी है। क्या मजबूरी? हमारे माँ प्यो नहीं है सिर पर, ठीक है ना? निका मुंडा माशाल्लाह, ठीक है ना? शादीशुदा? हाँ जी शादीशुदा। कितने बच्चे? एक। शोहर किधर है? फोत होया हुआ है। कैसे फोत हुआ शोहर? वो उसने अपने आप को गोलियाँ मारी थी। क्यों? बस हमारे हालात देख के तो नहीं गोलियां मारी उसने? नहीं, अपन दोनों आपस से दोनों भाई लड़े थे रिश्क के पीछे, रिक्शे के पीछे। अच्छा, तुम्हारे शोहर ने खुद को मार दिया? खुद को। तो किधर है बाकी घर वाले, माँ बाप बहन भाई तुम्हारे किधर है? मेरा माँ पे फोत है। अच्छा, बहन भाई तो होंगे? बहन भाई नहीं बोलते मेरे साथ। इस काम की वजह से नहीं ना बोलते, सच बताना? नहीं, वैसे नहीं बोलते। क्यों, वैसे क्यों नहीं बोलते? जिस दिन की मैं अपनी पसंद की शादी करी थी ना, उस बार नहीं बोलते। बोलना छोड़ दिया उन्होंने? ये काम कर रही हो यहाँ पर, क्या मिल जाता तुम्हें? कुछ भी नहीं गनाए। तो तुम्हें पता है कि गुना है? हाँ जी। क्या करती हो, कितने पैसे कमाती हो? 500 रुपया एक रात का? नहीं, एक बंदे से। एक बंदे से 500 रुपया लेती हो और इस गंदगी में ही करती हो सब कुछ? हाँ जी। किधर जाती हो उस बंदे को लेकर, या वो बंदा तुम्हें कहीं लेकर? बंदा लेकर जाता। किधर लेकर? अपनी जगह पे। क्या उसकी जगह होती है? गाड़ी में, ट्रक में। हाँ जी, ट्रक में बंदा ले जाता जी। ठीक है, उसके बाद होटल पे काम आते हैं। होटल पे? होटल पे भी आते हैं, होटल भी लेके जाते हैं। अच्छा, एक रात में कितने बंदे आ जाते हैं? एक रात में सिर्फ दो तीन कर लेती हूँ बस। 1500 कमा लेती हो, अपने बच्चे को हराम खिला रही हो? हलाल नहीं खिला सकती? हलाल भी करती हूँ। हलाल क्या करती हो? फैड की काम करती हूँ। हलाल में हराम मिलता तो क्या वो हलाल रह जाता? नहीं। तो फिर क्यों हलाल करके, हलाल से पूरी नहीं पड़ती? वो कम होता है लेकिन पूरी तो पड़ सकती है ना। हाँ जी। ऐसे कौन से तुम्हारे खराज आते हैं जो यहाँ पर आकर तुम उनको पूरा करती? मजबूरी है, हम कुछ शौक तरह नहीं करते हैं। आपने क्या किधर शौक तरह करते हैं? हम शौकी नहीं है, ठीक है ना? हमारे निके निके बच्चे, ठीक है ना? हाँ जी। मुझे बताओ कि जो आदमी आते हैं मुलाजम, वो तंग करते हैं। अगले दिन पर्चा कटे 2000 रुपये दे के थाने से आए पुलिस वालों ने। इधर इसी काम में पकड़ा जी? इसी काम में। 2000 दे के छोड़ दिया उन्होंने? हाँ, सबको 2000 रुपये लिया। हाँ जी। फिर एक रात रहे, एक दिन रहे,
फिर थाने में रही हो। उनका क्या रवैया था? उसका कोई रवैया नहीं था। सभी तंग करते हैं? वो भी तंग करते हैं, बहुत जलील करते हैं, इतना को हद तो ज़्यादा अभी भी डाला है। वो भी अपनी वो हवस पूरी करने की कोशिश करते हैं? नहीं, सिर्फ कहते हैं मानो कोई लड़की जो लड़का दो ना जरा हम खर्चा ला लिए। अच्छा, वो कहते हैं अपनी कोई लड़की हमें दे दो हमारा खर्चा लग जाए, जो वो रोज़ कमाए उसमें से इनको भी मिला करें। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, मुलाजम ने वो नहीं जीने देते हैं। अभी इस टाइम कोई बंदा नहीं है। आप क्यों खड़ी हो? क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा नहीं है तो क्यों खड़ी? कोई बंदा नहीं है, ठीक है ना, हमारी मजबूरी है, हम शौक तरह नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्या लोगों का रवैया, जो लोग आपके पास आते हैं क्या सर रवैया होता है उनका? जाहिल तरीन लोग आते होंगे आपके पास? वो ये कह रही हैं मुलाजम ने वो तंग कर देने, इतना को तंग कर देने, हद तो ज़्यादा तंग कर देने, ऐसे किधर जाइए, किस किस पास जाइए, कितने जाइए ना, किस पास का तरीका सानू भी दसन ना। अगले दिन पर्चा कटिया, ठीक है, चार लड़कियां, चार लड़कियों को पकड़िया इसने, रिश्के वाला भी था नाल। ये बता दो बस कि जो आदमी आप लोगों के पास आते हैं वो क्या क्या रवैया उनका आप लोगों के साथ, अच्छा कैसा सलूक करते हैं वो आप लोगों के साथ? बड़ा बुरा हाल करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है, उधर सोटियाँ चलाते हैं, ठीक है ना, बट्टे मारते हैं, पैसे दे के अपनी हवस पूरी करके फिर भी ये सब कुछ क्यों? फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है ना, अपने पिछले को आयो इधर, ठीक है, मोबाइल भी खो लेते हैं, पैसे भी लेके भाग जाते हैं, फिर भी आप ये काम करती हैं? हाँ, फिर भी हम ये काम करते हैं। किसी के अंडर हो या खुद ही करती है? हम खुद करते हैं। कोई आपके ऊपर सर नहीं बैठा हुआ जो आपसे डील आपकी करता हो या ऐसे? साड़ी बात से मैडम करवाती है डील, उनके बीच भी पैसे रखते हैं? हाँ जी। कितने रख देने? 500 ओ जिन्हें 500 कुड़ी फल भी ना दो आदो होंगे मैडम का 300। हाँ, 250। कब तक ये सब कुछ करती रहोगी और घर का चूल्हा इसी काम से चलाती रहोगी? हाँ, कब तक करोगी? सिर्फ बस रोजे ईद महीना बस छोड़ देना। आप लोग रोज़ों में नहीं रुके तो आप बाद में क्या रुकोगे? नहीं छोड़ देना फिर। रोज़ों में क्यों नहीं रुके यार? रोज़ा और मुहर्रम का तो एहतराम होता है ना, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ताक रातों का एहतराम क्यों नहीं किया? बस मजबूरी है। कहाँ कहाँ आप लोगों को लेकर जाते हैं? ये गाड़ी के नीचे ट्रकों के नीचे ले जाते हैं? ये जिधर आप कह रहे थे गटर है, ये हॉल है, इधर लेकर जाते हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये गटर नहीं है? नहीं, गटर नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। ये तो ये बीच में ये क्या है? ये जूतियाँ पड़ी हैं। इसके नीचे आप जा सकती हैं इसके अंदर? जब आप उनके हम जाते हैं वो लड़का खुलता हो तो वो पकड़ लेता है, वो आपको पकड़ता है। और ये अंदर काफ़ी बड़ा है ये तो, है ना, तसल्ली के लिए है कि वाकई यहाँ पर किस जगह पर काम होता है। मैंने इस लड़की को इस मेन हॉल के अंदर खड़ा किया है और ये देखें, ये लड़की इस मेन हॉल के अंदर है। ज़रा नीचे जाओ वो जहाँ पर आप जाती हो। कैमरामैन ज़रा आप आगे आएँ और दिखाइए कि ये लड़की आगे सामने आना, ज़रा बहन ज़रा सामने आओ, ये लें, ये मेन हॉल है, अब वापस जाओ जिधर से आप आइए, उधर अंदर जाओ, ये लें, ये लड़की आपकी आंखों से ओझल हो चुकी है। और ये वो जगह है जहाँ पर ट्रक अड्डे में ये सब कुछ चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और 2,000, 500, 1,500, 1,000 ये लोग सिर्फ एक रात का लेकर जाती हैं। और उस 500,000 में इनको क्या बचता है वो आप लोगों ने सुन ली। और ये सुरंग कितनी बड़ी है वो आप लोगों के सामने है, जिसमें ये लड़की इस टाइम घुसी हुई है, अंदर गत्ते पड़े हुए हैं, बोर्ड रखे हुए हैं। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई वो औरत कितनी बेशरम है, भाई उस औरत की भाई शादी हो रखी है, एक बच्चा भी है, और फिर भी जो है वो औरत ये गलत काम कर रही है। उसे जरा सी भी शर्म नहीं है कि मेरा एक बच्चा भी है तो मैं ये गलत काम क्यों करूं, उस बच्चे को ऐसा नाजायज काम किए हुए का पैसा भाई क्यों खिलाऊं, मैं उसे अच्छा ढंग से करके क्यों नहीं खिलाती। तो भाई इस औरत को बिल्कुल भी जरा सी भी शर्म नहीं है। और इसका हस्बैंड था भाई, पहले उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद इसे अपने बच्चे का पेट पालना भाई बिल्कुल ही मुश्किल लग रहा था। तो इसने भाई जॉब ना करके, किसी के घर नौकरी ना करके भाई, तो उसे ये काम सबसे आसान लगा भाई, जो है धंधा करना। तो भाई ये औरत जो है गटर में आने लगी, और जो कोई अमीर लड़का दिखता, जो भी अच्छी मोटी पार्टी वाला भी आदमी दिखता, उसे ही इशारे करके अपनी ओर बुलाते और उसके साथ जो है गलत काम करती, और जो है जो पैसे आते और फिर उन पैसों से अपने बच्चे का पेट भरती। तो कितनी बेशर्म औरत है भाई, एक माँ अपने बच्चे को अच्छा काम करके नहीं खिला सकती क्या? तो भाई जब उस बच्चे को अच्छा खिलाना ही नहीं था तो भाई उस बच्चे को जन्म क्यों दिया, वो बच्चा पैदा ही क्यों किया, जब उसे इतना गंदा इतना हराम का खिलाना था तो पैदा ही क्यों किया। तो भाई पाकिस्तान में सारी ऐसी औरतें भरी पड़ी है, इतनी बेशरम औरतें हैं जो कि इतने गलत गलत काम करते हैं भाई, वे अच्छे काम धंधे को छोड़ के इस गलत धंधे पर उतराते, और जो है ये गटरों में भी अब जो है गलत काम करती है। तो भाई आप लोग हमें इस बेशरम औरत के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।